उत्तर प्रदेश में पिछले महीनों प्रदूषण का मुद्दा मीडिया, सियासत और आम जनता में छाया रहा। प्रदूषण का जिम्मेदार किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली को ठहराया जाने लगा और पंजाब सरकार ने भी किसानों पर मामले दर्ज करने के हुक्म दिए और पराली को बिना जलाए इसका हल ढूंढने लगे। पर अभी तक इसका हल ना तो सरकार ढूंढ पाई है और ना ही किसान। संती शहर लुधियाना के एक 25 साल के युवक दर्पण, जो कि इंजीनियर हैं और पेशे से व्यापारी हैं, ने इसका हल निकाला है, जिसको देखने के लिए किसानों की भीड़ खेतों में जमा हो गई है। मेरा नाम दर्पण दादू है जी। हमने एक ऐसी मशीन तैयार करी है जो आजकल जो एक मुद्दा किसानों का मुद्दा है, किसानों से रिलेटेड, जिसमें पोल्यूशन और फैल रहा है। हमने एक ऐसी मशीन तैयार करी है जो कि ये मशीन ट्रैक्टर के पीछे लगकर पराली को जो है साड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन पराली को चूरा बना देगी। चूरा बनाने के बाद ये मशीन रोटावेटर चलाने के बाद एक खाद के रूप में अंदर उसमें चले जाएगी। हम न्यूज़ चैनल में देखते थे कि भी जो ये मुद्दा पोल्यूशन का मुद्दा और किसानों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं पराली के से रिलेटेड, तो हमने कहा क्यों ना इसके ऊपर भी वर्कआउट करा जाए। और हमने एक ऐसी मशीन तैयार करी है जिससे जो है पोल्यूशन भी कम होगा, ख़त्म हो जाएगा और जो है किसानों का भी जो है बेनिफिट होगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मशीन तैयार करी।